सोचता हूँ नंदन फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इशू आ गया, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या तो फादर नेम गलत हो गया है, या फिर अपडेट ही नहीं है, और या फिर आपके जो पीएफ ट्रांजेक्शन है उसमें कोई इशू आ रहा है किसी प्रकार की, या तो आपका एम्प्लॉयर है वो डेटा पे चेक नहीं कर रहा है और आप काफी इससे रिलेटेड परेशान है, काफी आप समस्या में है, एनरोल है उसे जो आपका एम्प्लॉयर है उसे अप्रूव नहीं कर रहा है, या तो पीएफ ऑफिस से किसी प्रकार का कोई समस्या है, आपको वो आपका जो क्लेम है उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, आगे ना तो ओके कर रहे हैं ना तो रिजेक्ट कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो इसके लिए एक ईपीएफओ पोर्टल पे कंप्लेंट का सिस्टम चालू हो गया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन जो वेबसाइट थी वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रही थी, जिससे कि वेबसाइट पे जो कंप्लेंट है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वेबसाइट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जो आपको कंप्लेंट करना है उसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर सकते हैं सफलतापूर्वक, यदि किसी भी प्रकार का आपको समस्या है तो सारी समस्याओं का कंप्लेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ईपीएफ, ईपीएफ की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर हम जाएंगे। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा, आप सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा www.epfindia.gov.in, आपको इस वेबसाइट पे सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपके सामने, यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलेगा आपको, ये कि पहले नहीं आता था लेकिन अभी हाल ही से आना चालू हो गया है, हाईलाइटेड होना चालू हो गया है, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कि आपका पर्सनल डिटेल है वो आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए बाय फोन या फिर पर्सनली भी मत कीजिए। और उसके बाद ये जो यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि जो ईपीएफ का मेंबर है या फिर ईपीएफओ की तरफ से कभी भी कोई भी कॉल नहीं आती है आपको किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, और बाकी आप अपना जो भी फेक कॉल आते हैं आपके पास उससे कुछ भी शेयर मत कीजिए, आप सेफ रहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीवेंस पोर्टल का जो लिंक है वो डायरेक्ट हाईलाइटेड कर दिया गया है, हम इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसकी जो वेबसाइट है वो epfigms.gov.in है, आप डायरेक्ट इसे भी ओपन कर सकते हैं गूगल में। आप इसकी जो भी फैसिलिटीज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बतलाया भी था, यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए सारा नोटिफिकेशन, यहाँ पे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में है तो आप हिंदी में करके पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी करके पढ़ ले सकते हैं, सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सारा चीज़ हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हम इंग्लिश ही कर देते हैं, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो रजिस्टर्ड ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यदि आप पीएफ मेंबर हैं तो यहाँ पे पीएफ मेंबर पे कर लीजिए, और पेंशनर्स हैं तो पेंशनर, एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर, और अदर्स हैं तो अदर पे कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम पीएफ मेंबर के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे पीएफ मेंबर पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है। फ्रेंड्स, आपके पास यूएन नंबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे यूएन नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर करना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोड समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रेफरेंस कर सकते हैं, एंटर कर लिए आप गेट डिटेल पे कर देंगे। जैसे आप गेट डिटेल पे करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस यूएन से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं उसमें से कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो ये है, आपका जो ईमेल एड्रेस जो अवेलेबल है वो ये है। आपके यदि यूएन में ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप पहले अपडेट कर लीजिए, मोबाइल नंबर भी देख लीजिए, मोबाइल नंबर भी है यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी कर देंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है दोनों पे ही एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट जैसे ही आप करेंगे लोडिंग ले रहा है, और उसके बाद ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, यदि आपने ओटीपी सही एंटर किया हुआ है तो यहाँ पे सफलतापूर्वक का मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके हम कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे
कुछ और भी डिटेल यहाँ पे शो होना चालू हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। आपको पर्सनल कुछ डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, आप मेल है फीमेल है जो भी हो, आपका यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, पिन कोड फिलअप करना पड़ेगा, जो भी आपकी कंट्री है वो स्टेट, सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है। कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, यहाँ पे जितने भी स्टार मार्क वाले हैं सारे कंपलसरी हैं, आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके जितने भी पीएफ होंगे, जो आपका एक यदि एक यूएन अकाउंट है उसमें एक से ज़्यादा पीएफ अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पे वो सारे पीएफ नंबर शो होंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में जो यूएन नंबर हम एंटर किए हैं उसमें केवल एक ही पीएफ नंबर है, उसलिए केवल एक ही पीएफ नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो जिस भी पीएफ पे आपको कंप्लेंट करना है उस पर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, इस पीएफ ऑफिस से रिलेटेड कोई इशू है, या तो आपको एम्प्लॉयर से इशू है, या फिर ईडी एलआई से है, या फिर प्री पेंशन से है, तो जिससे भी है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि पीएफ ऑफिस से आपका जो भी क्लेम है वो सेटल नहीं किया जा रहा है, या फिर आपका जो नेम करेक्शन है या फिर किसी प्रकार कोई इशू है वो पीएफ ऑफिस से नहीं किया जा रहा है, तो डायरेक्ट पीएफ ऑफिस को कर दीजिए। यदि आपका एम्प्लॉयर डेट ऑफ एग्जिट नहीं कर रहा है, या फिर आपका पीएफ क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो भी अप्रूव्ड करना होता है वो नहीं कर रहा है, केवाईसी अप्रूव्ड नहीं कर रहा है, तो आप एम्प्लॉयर के लिए भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये जो एम्प्लॉई है इनका इन्होंने जॉब छोड़ दिया है, लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर है वो डेट ऑफ एग्जिट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कंप्लेंट करने वाले हैं। तो फिलहाल में हम एम्प्लॉयर के लिए कर लेते हैं। अब जो ग्रीवेंस का टाइप है, कैटेगरी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया इसलिए एम्प्लॉयर से रिलेटेड काफ़ी सारे जो इशूज आते हैं, रेगुलर इशूज आते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे केवाईसी रिलेटेड इशू है, यूएन रिलेटेड इशू है, जो भी इशू है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, जो भी आपका इशूज है उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे कि अभी फिलहाल में ट्रायल के लिए केवल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हमने लिख दिया आई क्विट द जॉब बट एम्प्लॉयर नॉट अपडेट माई डेटा ऑफ एग्जिट इन माई यूएन। बाकी जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि आपने एम्प्लॉयर से कोई कम्युनिकेशन किया था, बाय मेल किया था कि डेटा विजिट करें, और उसने नहीं किया था, मेल आपने किया था, रिमाइंडर किया था, तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट या फिर कोई कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपके पास एक से ज़्यादा कोई प्रूफ है तो वो भी अटैच कर दीजिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप अपने जो यूएन का स्टेटस है वो भी अटैच कर दीजिए, जिससे कि जो भी अधिकारी या फिर जो ईपीएफ के मेंबर है वो आपके इस कंप्लेंट को ओपन करें तो डायरेक्ट आपके इस कंप्लेंट पे ही सारा डिटेल मिल जाए, वो आपको ज़्यादा डिटेल उनको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, वो अपने वेरिफिकेशन के लिए जरूर करेंगे, मैच जरूर कराएंगे, लेकिन आप अपने तरफ से अटैच कर दीजिए। अटैच यहाँ से आप कर सकते हैं, अटैच कर लीजिए, जो भी आप फाइल अटैच करना चाहते हैं चूज करिए, अपने जो भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आपके पास फाइल पड़ी है वो अपलोड कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आपके पास एक से ज़्यादा फाइलें हैं तो और भी ज़्यादा अपलोड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 5 फाइल अभी तो फिलहाल में अपलोड कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड कर लीजिए। ऐड जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको जो भी स्टेटस है कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ से सबमिट कर लीजिए। जैसे ही आप उसके बाद फ्रेंड्स कुछ अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा आप सामने, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सक्सेसफुली ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन। जो आप ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो सफलतापूर्वक कर दिया गया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट का जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा। आप इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं या फिर फोटो खींच के रख लीजिए। फ्रेंड्स आप अपने ग्रीवेंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे व्यू स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्यू स्टेटस पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन करके आ जाएगा।
इस पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर लेना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे आप क्रीवेंस का पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए, सिक्योरिटी कोड एंटर कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी ग्रीवेंस की स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगी। पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, कब आपने किया था, रिसीव्ड हुआ, और आपका जो भी ऑफिसर वगैरह है, जो भी पीएफ ऑफिस का एड्रेस है, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से आप सफलतापूर्वक अपना जो भी कंप्लेंट है, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है, उसको डायरेक्ट जो ईपीएफ का पोर्टल है उस पे, वेबसाइट है उस पे किस प्रकार से आप कर सकते हैं कंप्लेंट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं आपके साथ यदि समस्या है तो। और इसमें रिमाइंडर डालने का भी ऑप्शन है और जो आपका स्टेटस है वो भी आप सफलतापूर्वक चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी इशू आता है तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स